नहीं आ रही है वो अलग बात है, बट आई एम डन विद माई वर्कआउट। सुबह उठते ही वर्कआउट करना बेस्ट, क्योंकि फिर पूरा दिन अगर 1% मिस भी हो जाए तो रात को गिल्ट नहीं होगा कि उसे डाक वर्कआउट नहीं किया। तो यही सजेस्ट करूँगी कि उठते ही बस कोई भी वीडियो लगाओ या कोई क्लास जाते हो, जिम जाते हो, फटाफट से जिम भागो और सुबह ही वर्कआउट ख़त्म कर लो। वी डिड इट। वर्कआउट करे हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं, मैं ज़ारा को भी खाना खिला चुकी हूँ। अब मैं लेकर आ गई हूँ कोकोनट वाटर और मैंने इसमें बीच में मलाई भी डाल दी, मैंने आपको दिखा दिया होगा। भाई साहब मैं तो थक गई बट कोई बात नहीं, अब हम दिन की शुरुआत एकदम मस्त एनर्जेटिक तरीके से करेंगे। और यार ये पीछे से ना मुझे ये सब भी उठाना है, मेरा यहाँ पे माइक्रोवेव इधर रखा हुआ है हमने इस टेबल पे, आई थिंक अब मुझे इसे किचन में ही शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना ये बहुत ऐसे दूर से देखो तो लगता है कि बहुत स्पेस ले रखी है। और ये जो साइड में आपको पीछे दिख रहा है ये तो मेरा वो ब्लॉसम्स वेन्यू का ही रैप का रैपिंग मटेरियल है, इसको भी मैं एक ड्रॉर में करूँगी। घर को साफ सफाई करने की बहुत ज़रूरत हो रही है, क्योंकि न्यू स्टॉक आता है ना तो यहाँ पे सामान रखना थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है, तो इसीलिए मैं अब जगह बना रही हूँ कि कैसे कहाँ पे क्या रखना है, तो देखते हैं। बाकी अभी मैं कल, आज तो नहीं क्योंकि आज मुझे शायद दिल्ली जाना है, नॉट श्योर बट शायद जाना है, तो अभी वो मम्मी उठेगी तब मुझे पता चलेगा आगे का क्या प्लान है, क्योंकि मम्मा को डॉक्टर को दिखाना है। अगर आज बाहर गए तो आज तो नहीं बट कल, ये पीछे पूरा क्लीन करना है और थोड़ा घर को भी डेकोरेट करना है, मतलब सुंदर सुंदर सा। एक ऐसा होता है ना कि आप घर आओ तो आपको कोजी फील हो एकदम से कि हाँ मतलब घर जाने का ही मन करे जा रहा है बार बार, वैसा वाला घर बनाना है यार। और मेरा फेस वॉश ख़त्म हो गया था तो मैंने मंगवाया बायोटिक का पपाया डीप क्लेंस, ये मुझे याद है मैं बचपन में बहुत यूज़ करती थी बायोटिक के सामान, अब तो मैंने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है, तो मुझे ना ऐसे स्विगी ब्लिंकिट पे और कुछ मिल नहीं रहा था इंस्टामार्ट पे, तो मैंने कहा चलो यही ट्राई करते हैं, क्योंकि बचपन में तो मैं बहुत यूज़ करती थी, अब बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है, तो होपफुली सूट कर ही जाएगा। बायोटिक का वैसे ही जो प्रोडक्ट्स है बहुत ज़्यादा रीजनेबल है और बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपने भी कभी अपने बचपन में या अभी भी अगर आप यूज़ करते तो मुझे कॉमेंट्स में बताना। तो आज ब्रेकफास्ट के लिए आई डिसाइडेड टू मेक वेजिटेबल वर्मिसेली। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें राई डाली, सारी वेजीज डाल दी जितनी भी मेरे पास थी, उनको थोड़ा कुक किया, सौते किया, फिर मैंने इसमें रोस्टेड वर्मिसेली डाली हाफ कप के अराउंड एंड 3 गुना पानी डाल के इसको कवर करके रख दिया। एंड यू जस्ट हैव टू वेट 5 to 7 minutes लगेंगे एंड ये कुक हो जाएगी, और एकदम ना मतलब देसी चाउमिन वाली फील भी आपको दे सकती है अगर आप इसे अच्छे मसालों के साथ बनाओ। एंड हेयर यू गो, माय वर्मिसेली इज रेडी। ऊपर से मैंने टोफू भी डाला था बाय द वे। ओके जी, ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाई है वेजिटेबल वर्मिसेली, ऊपर से मैंने ना टोफू भी डाल दिया, पहले मैं डालना ही भूल गई वेजीज में, बट कोई बात नहीं, ऊपर से डाल लिया और अभी इसे एंजॉय करते हैं, धीरे धीरे खाएंगे, 32 times चीव करके खाएंगे दोस्तों। एंड ट्राई करना जब भी आप पोहा बनाओ, वर्मिसली बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो आप उसमें ढेर सारी सब्जियां डालना, मतलब आप देख सकते हो मैंने इसमें गाजर, शिमला मिर्च, मतलब मैंने जितनी वर्मिसली डाली है उससे डबल सब्जियां डाली है। एक तो सब्जियों का टेस्ट अच्छा लगता है और जो आप वर्मिसली खा रहे हो वो थोड़ा कम हो जाएगा, वो फिलिंग भी बनेगा और अच्छा भी लगेगा, टेस्टी लगेगा। डाइट फूड मतलब उबला हुआ खाना नहीं होता, मस्त जैसा आप घर पे खाना खाते हो वो बनाओ, बस ये पोर्शन कंट्रोल कर लो, थोड़ा धीरे खाओ, माइंडफुली खाओ। वेरी लॉन्ग एंड रिलैक्सिंग शावर और अब बारी है स्किन केयर की। मैं रूटीन में एक्चुअली मैंने स्किन केयर भी एक्चुअली 3-4 दिन से नहीं किया है, तो कर लेते हैं आप बैठ के। मेरा टोनर नहीं मिल रहा, चलो ठीक है, एनीवेज एक टोनर लगाती हूँ मैं फेस पे, देन आई अप्लाई दिस सीरम, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मूडी और ये है हाइड्रेशन वाला। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे थोड़ा स्किन केयर भी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की मैंने वीडियोस में, काफ़ी डर्मेटोलॉजिस्ट को भी मैंने सुना है बोलते हुए कि आफ्टर 25 स्पेशली 20 के बाद से ही अपना स्किन केयर एक रूटीन बना लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि फैंसी फैंसी चीज़ें ही लगानी है, मतलब एक बेसिक CTM तो फॉलो करना ही चाहिए, लाइक क्लेंजिंग टोनर मॉइस्चराइजर। एंड नाउ दैट आई हैव एंटर्ड लेट 20s, नाउ आई एम 26 years old, तो मुझे एक अब लाइक रूटीन बना लेना चाहिए स्किन केयर का।
अच्छा बाय द वे मैंने मॉइस्चराइजर भी मूडी ब्रांड का ही लगाया है, सेम रेंज है ये, हाइड्रेशन वाली है उनकी, हाइड्रो हाइड्रो करके है कुछ, हाँ 7D हाइड्रो बर्स्ट। लिप बाम में मैं लगाने वाली हूँ ये जूडियो का जूसी लिप बाम। आई लव द वॉन्ड ऑफ दिस बाम, मतलब इतनी थिक है ना, बहुत मस्त लगता है लगाते हुए। और कल मैंने ना अपर लिप्स कराए थे तो ये देख लो, पता नहीं एक पिंपल आ गया था, उसी टाइम आ गया था, मतलब बम्प है पिंपल है समझ नहीं आ रहा, बट इधर है, उसी टाइम हुआ है, मतलब वो वैक्स कर रहे थे तो एकदम से आया, बट अभी तक बैठा ही नहीं है। अब पता नहीं ये पिंपल हुआ है या बम्प ऐसे ही आया है, अब देखते हैं। आइस लगा लूंगी रात को, अगर रात तक ये नहीं बैठा तो। चलो जी, आगे का प्लान ये है कि मुझे एक पार्सल पहले पैक करना है, बहुत ही स्वीट सब्सक्राइबर है उनका एक, कल उन्होंने रात को एक्चुअली मुझे एक ऑर्डर दिया था हमारे वॉलेट्स लिंक का जो अभी हमने लॉन्च किया था परसों। सो उन्होंने स्पेशल बोला था कि मेरा नाम जरूर मेंशन करना व्लॉग में, क्योंकि वो व्लॉग इसे डेली देखती हैं। सो उनका पार्सल पैक करना है। सेकंड काम है कि मुझे दिल्ली जाना है, जो कि काफी मेजर काम है, क्योंकि यार आने जाने में 3 घंटे लग जाते हैं आजकल, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है। तो मम्मी को डॉक्टर को दिखाना है तो उस चक्कर में हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो, फटाफट से पार्सल पैक करते हैं और निकलते हैं घर से। सो दिस इज द वॉलेट स्लिंग जो वर्षा ने ऑर्डर दिया है। सो हाय वर्षा, थैंक यू सो मच पहले तो ऑर्डर देने के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स एज वेल। आई होप आपके पास जब ये पार्सल आएगा आपको अच्छा लगेगा, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिव्यू। बाय द वे दिस पार्सल इज गोइंग टू उड़ीसा। पैक करने से पहले फटाफट से क्वालिटी चेक कर लेंगे एज ऑलवेज। नहीं हुआ वो स्पिन, मैंने निकाल दी थी। तो ये जा रहा है वर्षा जी का कार्ड। गाइज एक्चुअली एक करेक्शन करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये ऑर्डर किया उनका नाम है स्वगातिका, क्योंकि उनके एड्रेस पे उन्होंने स्वगातिका लिखा हुआ है, स्वगातिका राइट, स्वगातिका। और वर्षा आई थिंक उनका इंस्टाग्राम हैंडल या कुछ वैसा होगा, मुझे नहीं पता, मतलब हाय स्वगातिका जो भी आपका नाम है, थैंक यू सो मच फॉर प्लेसिंग योर ऑर्डर, एंड सॉरी मतलब अगर मैंने नाम गलत लिया हो तो, बट स्वगातिका इज अ ब्यूटिफुल नेम, मतलब काफी अलग है, इवन वर्षा और स्वगातिका दोनों ही लाइक बहुत ही यूनिक नाम रखा है। मैं अभी एड्रेस लिखने लगी थी तो तब मैंने रियलाइज किया कि नेम तो स्वगातिका लिखा हुआ है, सॉरी। तो मेरी मम्मा के जो डॉक्टर हैं वो दिल्ली में है मालवीय नगर में, और मेरी मासी का घर वहां से 10-15 मिनट दूर है, और आज उनकी छुट्टी है तो हमें नहीं पता था। तो अभी ऐसे नॉर्मल बात हो रही थी मासी से, तो तब उन्होंने बताया कि घर आ जाओ भाई मेरी छुट्टी है एंड हमें जाना ही है, तो हमने सोचा चलो उनसे मिल लेंगे, 1-2 घंटा बैठ जाएंगे उनके साथ और लंच भी उनके साथ ही कर लेंगे। पहले मैं लंच अपने लिए पैक करके ले जाने वाली थी, बट अब हम उनके साथ कर लेंगे। सो लंच में उन्होंने शायद चना की दाल बनाई है, तो घर का खाना ही होगा बेसिकली, तो हम वो एंजॉय करेंगे। और मेरी मासी को ना गुड़गांव के समोसे पसंद है, यहाँ पे ना KDH है, जो गुड़गांव ओल्ड गुड़गांव का उसे पता होगा, KDH इज वेरी फेमस और बहुत ओल्ड है, मतलब मेरी मम्मी बचपन में यहाँ पे समोसे खाती थी, इतना पुराना है। तो जब भी हम मासी के घर जाते हैं हम पैक करवा के ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पसंद है और यहाँ उनका आना थोड़ा कम ही होता है, तो उनकी बचपन की यादें ताजा हो जाती है समोसा खा के यहाँ का। तो मैं वेट कर रही हूँ, मम्मी गई है समोसा लेने, और आज बहुत गर्मी लग रही है दोस्तों। मैंने कोई मेकअप वेकअप भी नहीं किया, आपके सामने जो स्किन केयर किया था वही करके निकल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि आज थोड़ा ऐसी विदाउट मेकअप चलते हैं, बोल तो ऐसी नहीं हो जैसे मैं बहुत मेकअप करती हूँ। तो यही प्लान है, मैंने सोचा आप लोगों को भी अपडेट दे दूँ कि भाई ये चल रहा है। बड़ी जल्दी मिल गया, जान कहाँ है ना मेरे, 350 तो डाल दो, मतलब जैसे मर्जी बोलो। समोसे काफी जल्दी मिल गए दोस्तों, अब चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, अदरवाइज यहाँ बहुत भीड़ होती है। मम्मी को 5 मिनट से भी कम लगा होगा, बस मैंने आपको अपडेट दिया होते मैं मम्मी आ गई, ये लगा लो। आयुष्मान ऐप डाउनलोड करो, अपना नाम ढूंढो, आधार ऑथेंटिकेट करो, लो बन गया तुम्हारा आयुष्मान कार्ड। 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार की गारंटी पाई, तो आज ही बनाए अपना। मासी के घर, और क्या तगड़ी धूप निकली हुई है, इतनी गर्मी हो रखी है। मुझे मासी के घर आना वैसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो यहाँ पे व्यू मिलता है ना वो इतना सुंदर है। मेरा शुरू जब से मासी ने घर, मतलब जब से मासी यहाँ रहने लगी है ना, मैं यही बोलती हूँ कि काश मैं भी ऐसे घर में रहूँ, मतलब मैं ऐसे चाहती हूँ कि मैं और ज़ारा रहे ऐसे घर में फ्लैट लेके, और पीछे का व्यू दिखा देती हूँ कि मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ, मैं आपको भी बताती हूँ। बाय द वे मेरी आँखें नहीं खुल रही, धूप बहुत तेज़ है। सो दिस इज़ द व्यू, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है यार, रात के टाइम पे इतनी शांति हो जाती है। यहाँ पे एक्चुअली बस स्टैंड है तो दिन में बहुत रश रहता है और बहुत शोर रहता है, बट वैसे रात को बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पे।
वहाँ आपको दूर मेट्रो स्टेशन दिखेगा एंड ये जंगल ही जंगल है पूरा। थोड़े टाइम पहले मैं रात को ना मासी के घर रुकने आई थी, तो मैं मौसा जी और मासी अगले दिन सुबह ना वॉक पे गए थे और 2.5 घंटे हमने वॉक करी होगी इस पूरे जंगल में। इतना मज़ा आया था, तो मुझे इसलिए यहाँ ना बड़ा अच्छा लगता है। एक तो इतना मस्त शानदार व्यू मिल जाता है और इसे देख के सुकून मिल जाता है बहुत ही, कि चलो कुछ तो ऐसे पहाड़ी वाला फील आ रहा है यहाँ देख के। आज की लंच मेन्यू में था मसूर दाल, आलू बैंगन की सब्जी, साथ में थोड़े से सफेद छोले एंड रोटी। अब हम निकल गए मासी के घर, हमने बहुत देर बिताई है, अब देख सकते हो अंधेरा हो गया, रात हो गई। गप्पे लड़ाने के बाद अब हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मासी के यहाँ पे ना एक शॉप है जहाँ से मासी अपने लिए कप्स लेके आई थी और वो इतने सुंदर लगे थे मुझे, तो मेरा भी बहुत मन था लेने का। अब देखते हैं अगर वो कप पैसे से मिल जाए तो, नहीं तो कुछ और मिल गया तो थोड़ी और क्रॉकरी देख लेंगे। तो वो दुकान ही बंद है जिसकी मुझे इतने दिनों से वो था कि मुझे जाके शॉपिंग करनी है। यहाँ पे बहुत अच्छी क्रॉकरी मिलती है और ग्लासेस थे, मतलब कप वगैरह। दुकान ही आज बंद है, कोई बात नहीं, अब तो आई एम सैड नाउ। यहाँ पे मौसा जी कर रहे हैं फ्रूट शॉपिंग। तो मम्मी को डॉक्टर को दिखाने के बाद ना एक्चुअली और टाइम लग गया था, और वहीं पे ना एक इडली सांभर वाली शॉप है जहाँ पे हमेशा इतनी भीड़ होती है, तो मैंने सोचा यहीं से इडली सांभर ले लेती हूँ। एंड यार इतना टेस्टी सांभर था ना, मतलब इतनी सब्जियाँ थी उसमें, फ्लेवरफुल था, मतलब बहुत दिनों के बाद मैंने इडली सांभर इतना टेस्टी खाया। बस वही फिर डिनर हो गया था और घर आने में थोड़ा लेट भी हो गया था, तो घर आके बस मैं सो गई थी। दैट्स वाई मैंने व्लॉग को ऐसे प्रॉपर एंड नहीं किया। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना एज ऑलवेज, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपसे कल मिलूंगी, जब तक नई वीडियो नहीं आती है मुझे करते रहना, एंड आई विल मिस यू टू। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, बाय।